देखिए सोमवार के दिन 11 बजे जो डीडीआर ऑफिस है उस डीडीआर ऑफिस के सामने हमने एक थाली बजाओ आंदोलन रखा है, और वो थाली बजाओ आंदोलन जो है वो आदर्श के जितने भी ठेवीदार है, डिपॉजिटर्स है, उन डिपॉजिटर्स के को साथ में लेकर हम लोग ये थाली बजाओ आंदोलन कर रहे हैं। मकसद यही है कि करोड़ों रुपये इन गरीबों का फंसा हुआ है। हमारी उम्मीद ये है कि जितने भी जो जो डायरेक्टर्स थे, वो जो मानका पे जो चेयरमैन है उसके पूरा परिवार के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस कमिश्नर ने हमको ये बताया था कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी लगा हुआ है। तो क्या ये लोग है तो पुलिस डिपार्टमेंट से ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा चालाक है कि ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चकमा देकर आज भी आज़ाद घूम रहे है, और पुलिस डिपार्टमेंट हमको कह रहा है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी टीम्स लगाए है करके। अगर ये दहशतगर्द होते, बड़े आतंकवादी होते है और वो फरार हो जाते तो हम समझ में आ सकता था उसमें, लेकिन अगर इतने महीनों के बावजूद भी अगर ये गिरफ्तार नहीं हो रहे है, मानकापे का लड़का गिरफ्तार नहीं हो रहा है, दूसरे उनके जो डायरेक्टर्स है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे है, और फिर अखबारों के अंदर हमको पता चलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को है तो जमानत मिल जाती है। कैसे मिलती है जमानत? ये लोगों का काम नहीं था, 2016 से ये बेमानी चल रही है, 2016 से गरीब लोगों का पैसा हड़प करके बैठे हुए है, और इनको गिरफ्तार करने की बजाय इनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। तो हमको कहीं ना कहीं इस बात का शक हो रहा है कि डीडीआर ऑफिस हो, पुलिस हो, ये गरीबों का पैसा वापस दिलवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनको नींद से जगाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारा जो करना है तुम करिएगा, मुझे इख्तियार जो दिया गया है मैं उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मैं उनको नींद से जगाने के लिए ये थाली बजाओ आंदोलन हमने 11 बजे डीडीआर ऑफिस बस स्टैंड के सामने जो है वहां पे हमने आंदोलन रखा है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।